हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया रेसिपी, घुइया के पत्ते की सब्जी, जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा तो सबके एक ही जैसे वीडियोस थे, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए डिफरेंट तरीके से लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रोल वाले घुइया के पत्ते हैं जिन्हें मैंने धोकर रख लिए हैं, और ये मैंने धुली हुई पीस कर चने की दाल और उड़द की दाल ली है, और ये मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, थोड़ी सी हींग ली है, और नमक लिया है स्वाद अनुसार। और मैंने अपने मसाले निकाले हैं जो है 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच गरम मसाला। जो हमने दाल ली थी उसमें डालेंगे हींग और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारे घुइया के पत्ते हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से फैला लेना है, उसके ऊपर पतला पतला सा दाल का पेस्ट लगाना है, और उसके ऊपर हम फिर से वही पैटर्न करेंगे, एक पत्ता और लेंगे, उसी तरह से हम 4-5 पैटर्न करेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे पत्ते इस तरह से बना लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद जो हमने पकौड़े बनाए थे पत्ते की, उसे एक एक करते डाल देंगे, और हम इस तरह से अपने सारे पकौड़े डाल लेंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये हमारे पत्ते की पकौड़े अच्छी तरीके से बन चुकी हैं, तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी बनाएंगे सब्जी। वही जो हमारा बचा हुआ तेल था उसमें हम डाल देंगे मेथी और अपने सारे मसाले डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमें मसाले को अच्छी तरह से पकाना है, फिर हम अपने पकौड़े उसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के 15 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी सब्जी पक चुकी है, और कितनी अच्छी लग रही है देखने में, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और ये अच्छी तरीके से भी बन चुकी है। तो आप भी इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। भाई आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो।